अरे यार बता ना, इतनी सुबह सुबह क्यों बुलाया? हाँ यार बता दे यार। यार मुझे ना एक जरूरी बात करनी है तुम लोगों से। जरूरी बात? अबे हंस कह रहा है, सच में जरूरी बात करनी है मेरे को। चल ठीक है कर कर कर। यार मुझे ना कल रात को एक सपना आया। सपना? और उस सपने में तू डर गया होगा और मुंह दिया होगा। या ये बता कौन सी लड़की देखी सपने में? या तू शक्तिमान बन गया सपने में? अरे यार ऐसा कुछ भी नहीं है, ये थोड़ी सीरियस बात है। मेरे को सपने में भोलेनाथ जी दिखे, यानी केदारनाथ दिखा। ओ पहली बार तुझे कोई अच्छा सपना दिखाया। और तुम्हें पता है सपने में केदारनाथ दिखने का क्या मतलब है? क्या? इसका मतलब है भोलेनाथ जी मुझे बुला रहे हैं। वाह वाह, बस उन्हें यही काम बाकी था करना तो तुझे बुलाएंगे। हाँ फ्री बैठे हैं ना वो तो। अबे ये ना मान्यता है, अगर सपने में किसी को केदारनाथ दिखाई देता है या भोलेनाथ दिखाई देते हैं, इसका मतलब है कि भोलेनाथ जी मुझे अपने दर पे बुला रहे हैं, केदारनाथ बुला रहे हैं। अच्छा हाँ, तो अब फटाफट से मुझे ये बता दो कि मेरे साथ कौन कौन चलेगा। फटाफट अपने हाथ खड़े कर लो क्योंकि सीटें फुल होने वाली है। अरे एक भी आदमी खड़ा, क्या तुम लोगों में से मेरे साथ कोई नहीं जाएगा? अबे भाई मेरे पास तो पैसे भी नहीं और मेरे घर वाले जाने भी नहीं देंगे, मैं चला बाय। कब जाना है? अरे कल ही निकल लेंगे सुबह सुबह। ओ अच्छा कल जाओगे? कल तो मेरी बुआ के घर में शादी है, मैं नहीं जा सकती। बाय। मैं भी नहीं जा सकती। ना 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 ना, सोचियो भी मत। भाई तेरे को माँ कसम, अगर तू मेरे साथ ना जाए तो। अरे यार तू हमेशा है ना माँ की कसम देके मेरे को हर बार फंसा देता है। तो अब चलेगा ना? रास्ता छोड़ा है कोई? पर यार घर वाले? अरे घर वालों को तू मना लियो, कुछ भी झूठ बोल दियो, या केदारनाथ के नाम पे तो मान ही जाएंगे, मैं भी तो मनाऊंगा अपने घर वालों को। ठीक है तो फटाफट सुबह सुबह तैयार रहियो कल, ठीक है? सुबह सुबह निकलेंगे। हाँ चल चल फटाफट बैग पैक कर। हाँ ओके कल मिलते हैं। बिंदर अबे कहाँ रह गए यार, स्कूल में तो लेट करवाते, ये यहाँ भी लेट करवाएगा क्या? जल्दी आओ। बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले। अरे आ गया भाई, आ गया आ गया। यार तू कितना टाइम लगाता है, तू तो लड़कियों से भी ज्यादा लेता टाइम। अरे यार तेरे को तो पता है ना ठंड में नहाना कितना मुश्किल होता है, और मेरे को तो लगता है तू नहा के नहीं आया ना। आ गया ले क्या, दर्शन करने जा रहा हूँ, नहा के नहीं आऊंगा मैं। अच्छा अच्छा ठीक है, ये बता जाना कहाँ है और कितनी दूर जाना है? अरे ज्यादा दूर नहीं जाना है, तो चिंता मत कर, बस मिल्खा सिंह जितनी मॉर्निंग वॉक करता है ना उतनी ही दूर जाना है बस। भाई आई एम रेडी। वैसे अगर ना तू जल्दी उठ जाता तो अब तक दर्शन करके वापस भी आ जाते, बहुत लेट करवाता यार तू। वाह वाह वाह, उल्टा चोर कोतवाल का डांटे हैं, मैंने ही लेट करवाया। अच्छा बेटा रुक, तेरे को मैं बताता हूँ। देख यहाँ से ना पैदल यात्रा शुरू होती है, तो आप फटाफट जाएंगे, जहाँ रास्ते में कुछ खाने का मिला ना फटाफट से ठूस ठूस के खा लेंगे। हाँ भाई सही कह रहा है, पहले पेट पूजा बाद में दर्शन। और भाई फटाफट से चलेंगे, कहीं नहीं रुकेंगे रास्ते में, क्योंकि हमें 6 बजे से पहले पहुँचना है। 6 बजे से पहले क्यों भाई? अरे भाई 6 बजे के बाद कपाट बंद हो जाते हैं। कपाट मतलब 6 बजे आरती करके मंदिर के गेट बंद कर देते हैं, उसके बाद दर्शन नहीं मिलते। अच्छा ठीक है भाई, फिर तो जल्दी जल्दी चलेंगे। हाँ तो चल चलते। अरे भाई अच्छा बम बम भोले।
गर्मी, पसीने आ गए भाई। अभी तो 2 ही किलोमीटर आए हैं, अभी से हवा टाइट हो गई भाई। मैं क्या कह रहा हूँ, हेलीकॉप्टर ले लेते हैं। नहीं भाई, देख मेरे सपने में आए थे भोलेनाथ और उन्होंने कहा था कि पैदल आना है, तो मैं तो पैदल ही जाऊंगा। अच्छा भाई। हाँ भाई, तेरी श्रद्धा देख के मेरे भी इमोशन जाग गए। शाबाश भाई, मैं तो घोड़ा लूंगा। देख घोड़ा लेगा। हाँ देख ले, 2500 रुपये का ले ले जा। 2500? घोड़ा क्या था घोड़ा, मैं खुद बन जाऊंगा घोड़ा, ऐसे चढ़ जाऊंगा। वैसे भाई कितने किलोमीटर रह गया? दूर वो देख, वो पहाड़ दिख रहा है बर्फ वाला। हाँ भाई दिख रहा है, बस वहीं तक जाना है भाई। मंजिल तो दिख गई, अब क्या घबराना, लेके बोलेगा ना पूरे रास्ते चढ़ जाना। हाँ भाई चल। अच्छा हुआ हम हेलीकॉप्टर से नहीं आए, वरना ऐसे झरने, ये पहाड़, ये पहाड़ों की खूबसूरती कहाँ देख पाते हम। देखा, मेरी मानी तो कुछ फायदा हुआ ना, अब तो इन झरनों को देख पाया। और वो देख, एक वो झरना रहा, एक वो देख, मस्त। हाँ मजा आ रहा है ना। हाँ भाई एकदम भाई, ठंडी ठंडी हवा चल रही है बिल्कुल। चले भाई, मैं नहीं जाऊंगा आगे, मैं नहीं जा रहा। मैं तो मेरे मम्मी पापा को फोन करके बोल दूंगा, मेरे को यहाँ से ले जाओ, मेरे को नहीं जाना आगे। अरे यार कैसी बातें कर रहे तू? नहीं यार मेरे को नहीं जाना। रुक रुक, एक मिनट रुक, शांत हो, आंखें बंद कर और अब आराम से भोलेनाथ का ध्यान लगा। अरे यार एकदम शरीर में फुर्ती सी आ गई, चल अब रुकना नहीं है जब तक पहुंच नहीं जाते। देखा, भोलेनाथ सबको शक्ति देते हैं, इतनी ऊपर ऐसे ही नहीं चढ़ सकता कोई। चल चल। भाई मेरे से नहीं चला जा रहा और मैं नहीं चल सकता। हाँ यार पैर तो मेरे भी दर्द करने लग गए। अरे वो देख, मंदिर दिखने लग गया। हाँ भाई वो तो दिख रहा मंदिर, इतनी दूर चल के आ गए तो इतना और तो चल ही सकते हैं। हाँ यहाँ तक तो चल ही सकते हैं। हाँ तो चल फिर। यार इतनी लंबी लाइन, इस लाइन में लगना पड़ेगा। हाँ दर्शन करने तो लगना ही पड़ेगा। एक काम करते हैं, आगे लग जाते हैं, बीच में घुस जाएंगे कहीं। दर्शन करने आया, यहाँ भी ऐसी हरकतें कर रहा है, हैं? चुपचाप लाइन में लग जा। हाँ तो चल। शिव पुरंदरा भद्र नट युगंधरा न वन्न मन्न गौरीनाथ शर्व हज केदारनाथ।
सूक्ष्म है, आकाश से अनंत है, तू मर्म पूरी सृष्टि का, तू आदि है, तू अंत है, तुझे केदारनाथ। सो जगत में है विकट, तू एक अखंड तत्व है, ये झूठे काम लोभ जग, तू एकमात्र सत्य है। अरे यार, यहाँ क्यों ले आया भाई? यहाँ की ना मान्यता है, अगर यहाँ घर बना के जाओगे तो जिंदगी में खुद का घर भी ले पाओगे। भोलेनाथ जी स्वयं सहायता करते हैं। अच्छा, पर भाई यहाँ तो घर बनाने में 2-3 साल लग जाएंगे और मजदूर वगैरह। अबे यार, तेरा कुछ नहीं हो सकता, तेरे में दिमाग नहीं है क्या? मैं असली का घर बनाने को नहीं बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा तेरे को यहाँ मजदूर लेके आ, मैं बोल रहा हूँ कि इन पत्थरों के साथ घर बनाना, एक के ऊपर एक रख के। ओ अच्छा, समझाना खुद को नहीं आता, मेरे को डांट रहा है पागल सा। अच्छा अब चल फिर घर बनाते हैं। हाँ भाई चल। अच्छा सा बनाइयो, ठीक है, खिड़की विड़की निकाल दियो घर में अच्छी सी। शंकर जी मेरे शंकर जी, भोलेनाथ नाथ मेरे शंकर जी, शौका से बाहर न जाऊं मैं, इतनी तो कृपा कर शंकर, मेरे शंकर जी, मेरे शंकर जी, भोलेनाथ नाथ मेरे शंकर, भावों का काल है तू शंकर, सच में महाकाल है तू शंकर। भाई बहुत थक गए ना, पैदल चढ़े पैदल उतरे। हाँ यार सही कह रहे हैं, बैंड बज गई एकदम। पर भाई भोलेनाथ जी के दर्शन तो हो गए ना? हाँ यार ये तो सही कह रहे हैं, भोलेनाथ जी के दर्शन करके जो सुकून मिला है ना, वो कहीं नहीं है भाई। अरे तभी तो कह रहा था मैं, पैदल चढ़ेंगे और पैदल उतरेंगे तभी भोलेनाथ जी दर्शन देते हैं। और भाई अभी सो जाते हैं, कल सुबह उठ के घर के लिए निकल लेंगे। हाँ यार अब तो घर की याद भी आने लग गई। भूतनी वो भूतनी है भाई, मुझे फिर से सपना आया। सपना? हाँ अब क्या दिखा? मसूरी। मसूरी? जगह तो काफी अच्छी है ना, कितनी सुंदर है। हाँ यार जगह तो बहुत सुंदर है। अरे वो देख शूटिंग रेंज, चल बंदूक चलाते हैं। अरे चलाते क्या, एक काम करते हैं ना, चैलेंज रखते हैं, देखते हैं कौन जीतता और कौन हारता है। हाँ सही कह रहा है, वैसे मेरा निशाना तो एक नंबर है, बिल्कुल अर्जुन की तरह है। अरे यार तेरे को किताब में बिना चश्मे के अक्सर तो दिखता नहीं, तू भेदेगा मछली की आंख। आया बड़ा अर्जुन। हाँ देख लेंगे, अगर ऐसी बात है ना तो रख ले चैलेंज। हाँ हाँ रख ले। तो हो गया चैलेंज? हाँ हो गया, जो कम निशाने लगाएगा वही इसका बिल देगा। हाँ ठीक है, पक्की बात है? पक्की बात। चल फिर। भाई
यार एक बात बोलूं? हाँ बोल भाई। किसी को बताइयो मत कि मेरा एक भी निशाना नहीं लगा। हाँ भाई मैं तो नहीं बताऊंगा, तू भी मत बताइयो। हाँ वैसे हम दोनों का ही नहीं लगा तो कोई किसी का नहीं बताएगा वरना बेइज्जती हो जाएगी दोनों की। हाँ और भाई आज के बाद है ना तू अपने आप को अर्जुन मत बताइयो। ठीक है चलो। अच्छा आधे पैसे तो तुमने भी दिए हैं। हाँ आधे का तुमने भी दिए। अरे यार कितनी बढ़िया मार्केट है, कुछ खरीद लेते हैं, शॉपिंग हो जाएगी, घर पे भी कुछ ले चलेंगे। खरीदने के लिए पैसे भी होने चाहिए, है तेरे पास? है? सारे पैसे तो ट्रिप पे खर्च हो गए। हाँ तो चल वाटरफॉल देख लेते हैं फिर। चल भाई यार पहाड़ों में आने का भी अलग ही मजा है ना। देखियो दूध की तरह पानी गिर रहा है। हाँ यार सही बोल रहा है, पहाड़ों में ना जन्नत है भाई। ये पहाड़ों की ठंडी ठंडी हवा, कितना मजा आ रहा है ना। उड़ा दे अभी, सिखा दे अभी।